किसानों से जुड़े कृषि बिल पर पंजाब में लगी सियासी आंख की लपटे हरियाणा तक पहुंच गई है। मोदी कैबिनेट में अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद अचानक हरियाणा खबरों में आ गया। चर्चा तेज हुई कि उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को भी हरसिमरत कौर की तरह किसानों के हित में इस्तीफा दे देना चाहिए। जेजेपी में विरोध के सुर तेज हो गए। टोहाना के जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो विधायक राजकुमार गौतम ने भी उनके सुर में सुर मिलाए। यही कारण है जिसके चलते पार्टी को चिंता करने की जरूरत है कि अगर विद्रोह की स्थिति पैदा होती है तो इसका मतलब है कि नेतृत्व कमजोर पड़ने की हालत आ जाएगी। इस बीच दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किसानों का समर्थन करने इस्तीफा देने पर हरसिमरत कौर को बधाई दे डाली। दिग्विजय सिंह ने हरसिमरत कौर को बधाई देने के साथ साथ दुष्यंत चौटाला को नसीहत भी दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को इन किसान विरोधी बिलों पर BJP का समर्थन न करे, अन्यथा उन्हें भविष्य में बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। पर दुष्यंत चौटाला के लिए इस्तीफे की राह इतनी आसान भी नहीं होगी। बहरहाल देखना होगा कि ऐसी स्थिति में दुष्यंत चौटाला आगे क्या करेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,